अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपके दौर से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ ये है जी फटकड़ी। फटकड़ी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, आप सब लोग जानते भी होंगे। बाजार में जो है वो ईजिली अवेलेबल है। और फटकड़ी जो है ना दो तरह की होती है, लाइक एक रेड कलर में होती है और एक वाइट कलर में होती है। जो मेरे पास है वो वाइट कलर में है। ये देखें, कुछ मैंने इसको क्रश करके इसका पाउडर बनाया हुआ है और कुछ ये इस तरह से मेरे पास जो है वो स्टोन की फॉर्म में है। ठीक है, फटकड़ी मेरे पास वाइट कलर में है। इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसके जो है वो अगर मैं बेनिफिट्स आपको गिनवाने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आज हम जिस पर्पज़ के लिए फटकड़ी को यूज़ कर रहे हैं उस ये है कि आपको अगर जो है वो कुछ शॉर्ट शॉर्ट मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। फर्स्ट इसका बेनिफिट, अगर आपको एक्ने का मसला है तो आप जो है वो इसको एज अ मास्क अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ओपन पोर्स का मसला है तो आप ओपन पोर्स के लिए जो है वो रोज़ वाटर में ऐड करके जो है वो उसको टोनर की सूरत में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जो है वो जो लाइक आपके बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, आपके सॉरी फेस पर रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो गया, रिंकल्स और फेस के पोर्स को श्रिंक करने के लिए, रिंकल्स को बैलेंस करने के लिए, स्किन को बैलेंस करने के लिए भी आप इसको जो है वो एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं कट लग गया है, बहुत ज़्यादा गहरा कट लग गया है, खून निकलना बंद नहीं हो रहा, तो आप जो है वो वक्ती तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे आप इसका पाउडर यूज़ करो और क्या होगा कि आपका खून बहना बंद हो जाएगा। सो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है ना एक टॉनर बनाएंगे इससे। ये टॉनर जो है मल्टीपर्पज़ के लिए है। लाइक अगर आपके फेशियल हेयर हैं, आपने फेशियल हेयर रिमूव किए हैं, वैक्स किए हैं, थ्रेडिंग की है, वट एवर आपने जो है वो, उसके बाद आपने इसको स्प्रे करते रहना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने रोज़ वाटर में ऐड करके स्प्रे करना है। तो क्या होगा कि आपके जो हेयर फॉलिकल ग्लैंड्स हैं वो अनएक्टिव हो जाते हैं, तो बाल जो है वो बहुत कम अरसे में निकलते हैं या फिर ग्रेजुअली ऐसा होता है कि बाल निकलना बंद हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि दूसरा बेनिफिट इसका इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको ओपन पोर्स का मसला है, वो लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है या फिर एक्ने होती है स्किन के ऊपर, उनको ओपन पोर्स का मसला होता है, तो ओपन पोर्स को ये श्रिंक कर देता है, बैलेंस कर देता है और जो है वो एक्ने को भी स्टॉप करता है। मेरे पास है जी रोज़ वाटर बायोपास का जो है वो रोज़ वाटर है, स्किन एक्टिव प्योर 100% ऑर्गेनिक जो है वो रोज़ वाटर स्प्रे बॉटल में है, 100% ऑर्गेनिक है। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि रोज़ वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रोज़ वाटर को जो है वो आप क्लिनजिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, स्किन को फ्रेश करने के लिए टोनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डेंड्रफ जो है ना ख़त्म करने के लिए इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, आई हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कीप्स डार्क सर्कल्स अवे, आपने डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बेशुमार बेनिफिट्स हैं रोज़ वाटर के। सो आज हम इससे जो है वो टोनर बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास रोज़ वाटर है, ये स्प्रे बॉटल में है, ये 100% ऑर्गेनिक जो है वो रोज़ वाटर है, 100% ऑर्गेनिक है। और इसकी क्वांटिटी कितनी है जी, ये क्वांटिटी आई थिंक मेंशन नहीं है यहाँ पे, क्वांटिटी इसकी चलें गोली मारें, क्वांटिटी मेंशन नहीं है। सो इसको मैं ऐसे खोलूँगी। ठीक है, रोज़ वाटर स्प्रे बॉटल को मैं खोल के, मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो फटकड़ी को क्रश किया हुआ है। इसको क्रश करने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी क्रश कर सकते हो, ओवन दस्ते में डाल के अच्छे से क्रश कर लो, या फिर आप इसको तवे पे अच्छे से पिघलाने के बाद थोड़ा ठंडा होने पे जो है ओवन दस्ते में अच्छे से इसको कूट कर इसको क्रश कर सकते हैं, इसको अच्छे से पीस सकते हैं। मैं इसको जो मैंने इसका जो कुछ क्रश किया हुआ हिस्सा है, कुछ थोड़ा सा बस 2 से 3 चुटकी बस इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे। ये देखें, सिर्फ 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ये डाल दी हैं, ज़्यादा मैं ऐड नहीं करती, मैंने सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर ये डाल दी हैं। ठीक है, एक स्पून भी आप एक छोटी स्पून से भी डाल सकते हो, मैंने सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर डाली हैं, 2 चुटकी इनफ है। आप जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लो, ये आपका स्लोली स्लोली ऐसा होगा कि ये डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मिक्स कर लिया और आप इसको एज ए स्प्रे बॉटल को फेस के ऊपर स्प्रे कर ले। ठीक है, ऐसे आपने स्प्रे कर लिया, दिन में आप 2 से 3 दफ़ा स्प्रे कर ले। इसको आप फ्रिज के अंदर रख के ठंडा ठंडा स्प्रे कर सकते हो, लाइक आप कहीं से बाहर से आए हो, आपको सन टैन का मसला है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रिज के अंदर रख लें, ठंडा ठंडा आपने यूज़ करना है तो मतलब बहुत अच्छा है, स्पेशली समर के सीज़न में। आजकल वैसे भी समर है, आपको पता ही है समर का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा मसला है एक्ने का, ऑयली स्किन का, पोर्स ओपन का, तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा।
इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, इसको फ्रिज में रखना है और ओपन पोर्स के लिए आप इसको यूज़ करें। अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह है तब भी आप इसको यूज़ करो, 2 से 3 दफ़ा दिन में आप स्प्रे कर लें, रात में सोने से पहले स्प्रे कर लें, तो आपकी एक्ने भी स्टॉप हो जाएगी, आपके ओपन पोर्स भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।